गीत बेटी के लिए मैं आपको सुना दे रही हूँ और ये भी आपको अच्छा लगेगा। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं वो इसको बड़े मन से सुने। हमारे भैया लोग दद्दा लोग विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। जब कोई बिटिया जब कोई लड़की अपने घर से विदा होती है तो उसके मन में तमाम सवाल तमाम बातें चलती हैं, माँ बाप के मन में भी चलती हैं और बेटी के मन में भी चलती हैं। बिटिया सोचती है पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार, कैसे सास ससुर, कैसा आंगन मिलेगा। जो सुख माँ बाप के घर में मिला है वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, और माँ बाप इस चिंता में रहते हैं मेरी बेटी वहाँ अच्छी जगह जा रही है अच्छी तरह से रह पाएगी या नहीं, सब अच्छा रहे। ऐसी ही एक परिवार की बिटिया जब घर छोड़कर जाने लगी तो देखिए बारी बारी वो बिटिया अपने परिवार के लोगों से मिलती है। कुछ परिवार वाले कहते हैं और कुछ वो कहती है। अब देखिए उस बिटिया ने लाल जोड़ा पहन रखा है और जब तैयार होकर वो आंगन से चल पड़ी तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, दौड़कर चिपक गई माँ से और माँ से अपनी कहने लगी कि मैया कि मैं गुड़िया हो, उस गुड़िया ने कहा माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया साथी नहीं, मैं साथी नहीं, मैं साथी नहीं, मैं तेरे जीवन की, मैं गुड़िया पर। बहुत बहुत धन्यवाद है अंजलि जी को। अब बस केवल आप लोग, मैं बहुत कम समय में गीत को पूरा करना चाहती हूँ, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप लोग मन से सुनिएगा। हमारे संजय भैया की बिटिया भी बैठी हैं, ये गुड़िया भी किसी के घर जाएगी। अब जब वो गुड़िया अपनी माँ से चिपक कर रोने लगी तो अपनी माँ से एक बात कहने लगी। उसने कहा माँ भैया, बाकी काम बाद में। कहा उस गुड़िया ने माँ के मत रो माँ तू क्यों रोती है, ये बेटी पराया धन होती है। और ये बेटी कैसी होती है, हो धनवान या हो धनवान या निर्धन की, चाहे किसी राजा महाराजा की हो चाहे गरीब की हो, लड़कियों के लिए ही ये नियम बना है कोई बाप अपनी बिटिया को जिंदगी भर नहीं रख पाता। तो हो धनवान या निर्धन की, तो मैं गुड़िया
और ये 501 मुद्राएं फिर से भैया हमारे संजय भैया जी के हाथों से मिल रही हैं, और हमारी भाभी जी कहीं ना कहीं उनकी आंखों में ये नमी है क्योंकि गुड़िया बगल में बैठी है। लेकिन उस माँ ने भी देखी अपनी लाडली से क्या कहा, जब उस गुड़िया ने कहा मैं गुड़िया तेरे आंगन की, तो वो माँ भी चिपक कर लाडली को चपका कर कहती है कि मेरी लाडली तू कह रही कि मैं रोऊं ना, लेकिन जरा सोच इतनी कठोर होती है ये प्रतिमा करुणा, प्रतिमा करुणा क्रंदन की, प्रतिमा करुणा क्रंदन की। जा गुड़िया जा, माँ ने कहा जा गुड़िया जा, जा गुड़िया मेरे आंगन की, हृदय से धन्यवाद है। माता रानी आपका भंडार भरे। संजय भैया कहते हैं कि बेटों का प्यार माँ से ज्यादा होता है और बेटियों का पिता से। जब भी आप देखेंगे, मेरे घर में भी है, मेरी बिटिया है, लेकिन अगर उससे पूछिए तो वो कहेगी मुझे पापा ज्यादा प्यारे हैं। लड़कियों का लगाव बाप से ज्यादा होता है, क्योंकि माँ कहीं ना कहीं अपने हक अपने अधिकार को समझाने में थोड़ी सख्ती बरतती है, लेकिन पिता के दिमाग में ये चलता है आज है कल चली जाएगी, इसलिए सारी जिदें पूरी कर देनी चाहिए। तो बेटियां पापा को ज्यादा चाहती हैं, लेकिन जब वो लड़की अपनी माँ को देख रही कि ये चुप होने वाली नहीं है, तो दौड़कर पिता के पास गई। बाप चुपचाप सुबक सुबक कर रो रहा है, लेकिन जब लाडली को देखा तो बिल्कुल फूट कर रो पड़ा। उस बिटिया ने कहा पिताजी से अपने कि बाबुल के बाबुल माँ को धीर बंधाओ, बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो कर तुम ना मुझको कसम मेरे। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। कहा तुमको कसम मेरे आसुवन की, तुम्हें गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ गुड़िया जा रहे हैं, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन बस बस थोड़ा गीत और बचा है, इसको भी पूरा कर लेने दीजिए। 501 मुद्राएं हमारे सुरेंद्र भैया जो रात भर से बहुत सारा पुरस्कार दे चुके हैं, सुरेंद्र भैया के माध्यम
माध्यम से 501 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और संजय भैया, जब उस बिटिया ने बाबुल से कहा तो बाबुल ने पलटकर बिटिया से क्या कहा? बाबुल ने कहा, तू मुझसे कह रही कि मैं माँ को चुप करा लूँ, सबको चुप करा लूँ, लेकिन तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि कैसे तेरी माँ को धीर बनाओ, भैया हमारे आदरणीय श्री सर्वेश भैया जी की ओर से, सर्वेश भैया की ओर से 501 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, हृदय से नमन कर रही हूँ। माता रानी आपकी बिगड़ी बनाए। उस बाबुल ने कहा, बेटी कैसे तेरी माँ को वीर बंधाओ, होश कहाँ है जो होश में लाओ, राधे भैया राधे हलवाई जी की ओर से 50 मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। ये 101 मुद्राएं बिटिया संगम की ओर से, हमारे संजय भैया की बिटिया संगम की ओर से 101 मुद्राएं हैं। ढेर सारा प्यार है और ढेर सारा आशीर्वाद दुलार है आपके लिए। अभी जागरण में आपने बुलाया है, इस माँ के दरबार में प्रार्थना कर रही हूँ आपको जब अच्छा और अच्छा घर मिले तो फिर संजय भैया आपको निमंत्रण में बुलाएं और फिर हम आपके दरवाजे आए। और ये श्याम टेंट हाउस के माध्यम से 101 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। कहा जा रहा है, छूट रही निधि हाथन की। तो देखिए बाप ने क्या कहा, बाप ने कहा, जा पुत्री जा, जा पुत्री मेरे नैनन की, नहीं पाता उन जिम्मेदारियों में, कहीं ना कहीं फूट कर रो नहीं पाता। जब उस भाई ने, जब वो भैया ये जान गया कि आज मेरी बहन जा ही रही है, वो लड़ना, वो खेलना, वो झगड़ना सब याद आ रहा है, लेकिन जब उस भैया ने अपनी बहन को विदा किया तो भैया अपनी बहन के चरण छूकर एक बात कहने लगा। उसने कहा, है मेरी बहन तू जा तो रही है लेकिन सुन, के हो ना सके Thank you.
पर हमारा अधिकार उतना नहीं है जितना उनका है। भैया हमारे पंकज यादव जी आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। पंकज भैया को धन्यवाद है। कहा उस भैया ने के हो ना सके भाभी जी के हो ना सके तेरे घर मेरा आना तो मन में ही मुझको तू तिलक लगाना मन में ही मुझको तू तिलक लगाना। धन्यवाद सुरेंद्र भैया, मैं आपका नाम भी याद रखूंगी। यहाँ से कानपुर तक जाऊंगी तो संजय भैया और सुरेंद्र भैया दोनों को नामा राशि है, दोनों को याद रखूंगी। कहा और संजय सुरेंद्र भैया बस इन पंक्तियों को सुनिएगा, मेरा अपना मानना है आपके दिल को अच्छी लगेगी। कहा कसम हर रक्षा बंधन की तू जा बहना जा बहना अपने तीरन की ओ। हमारी संगम बिटिया और उनकी तमाम सहेलियां यहां बैठी हैं, बहने बैठी हैं। लड़कियों की जिंदगी में, हर लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी सहेली होती है जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कर लेती है, अच्छी बुरी। कभी घर में भी कोई बात हुई जो माँ बाप को भी नहीं पता, वो सहेलियों को पता हो जाती है। तो उस बिटिया ने जब वो विदा होने लगी तो जिस सहेली ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई है, नाची है, गाई है, जब वो सहेली सहेली से अलग होने लगी तो वो जाने वाली सहेली उस मेहंदी लगाने वाली सहेली से कहती, उसने कहा ये बहन तुम संग लड़ कर मैं तुम संग खेली तुम संग लड़ कर मैं तुम संग खेली तो करना जा सजनी अपने साजन की ओ। गए हैं, बस आखिरी पंक्ति में ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर लड़की जब जाती है तो माँ बाप समझाते क्या है। माता पिता ने कहा कि है मेरी लाडली तू जा तो रही, लड़की और तेज रोने लगी। उसको ये एहसास हो गया कि मेरा घर मकान सहेली परिवार भैया यहाँ तक दरवाजे की गई है और पिंजड़े का तोता भी छूट जाएगा। ये सोचकर जब तेज तेज रोई तो सारे परिवार वाले उसे मिलकर समझाते हैं। सबने कहा बिटिया के तप है यही नारी का स्वभाव।
जाती है, मांग में सिंदूर भर जाता है और तब लड़की कही जाती है ये पराई है। तप है यही वैराग, यही है नारी का सौभाग्य, यही है। तो ऐ लाडली आज से दासी है तू पति चरणन की। धन्यवाद है। अपने पति का कहना मानना, सास ससुर की आज्ञा का पालन करना, माँ की याद आए तो सास में माँ को देखना, पिता की याद आए तो ससुर में पिता को देखना, भाई की याद आए तो देवर में भैया को देखना, सहेली की याद आए तो ननद में सहेली को देख लेना। तुझे एक नहीं दो परिवार मिल जाएंगे, इसलिए दासी किशन पति चरणन की। तो जा गुड़िया जा, जा चिड़िया जा, जा बहना जा, जा सजनी जा, जा पुत्री सबके नैनन की। ओ दुर्गा मैया की।